रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? सब खैरियत से हैं। अच्छा, ये उमर ब्लॉक में हम एक सेटअप लगा रहे थे 12 किलो वाट का, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया है। तो हमने इसमें 10 किलो वाट के पैनल्स लगाए हैं, इसमें 5 किलो वाट के पैनल्स हमारे और लग सकते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट है, इन्वर्टर हमारा फिट होकर बैटरियों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज लाइट भी गई हुई है और वो एक्टिव है और काम कर रहा है। तो आइए मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इन्वर्टर वगैरह की भी साथ वीडियो दिखाई। ये देखें जी, हमने ये स्ट्रक्चर लगाया है, इसमें हमने 3 इंच का पाइप इस्तेमाल किया है और 3 इंच की 14 गेज की सी टाइप पट्टी यूज़ की है। उसके बीच में हमने स्पोर्टों के लिए ये एंगल इस्तेमाल किया है। इस स्ट्रक्चर में हमारे 550 वाट के कैनेडियन के 18 पैनल्स लगे हैं, जो 9900 वाट के करीब बन रही है। और अच्छे तरीके से इसको पेंट किया ताकि स्ट्रक्चर की हमारी लाइफ ज़्यादा हो। इसके बाद आप देखिए, हमने इसका जो वायरिंग का काम किया है वो अच्छे तरीके से हमने इसकी फिटिंग की है, और किसी जगह पर हमने ये ऐसा नहीं किया कि कोई लूजिंग वगैरह रह जाए या पानी से कोई नुकसान वगैरह हो। तो ये हमने इसमें फाउंडेशनें बना दी हैं ताकि इस जगह से कोई पानी की लीकेज वगैरह या नुकसान किसी किस्म का छत का भी ना हो, और हमारी मजबूती में भी इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो अर्थिंग का काम भी हमने इसमें मुकम्मल कर लिया है। आइए आपको हम दिखाते हैं हमने इन्वर्टर किस तरह फिट किया। यहाँ पर जो हाइट रखी है ये हमने 12 फुट रखी है बैक से, और फ्रंट से हमारा जो छत की टेम्परेचर के मुताबिक ये हम तकरीबन 4 फुट हमने इसकी हाइट रखी है। इसमें हमारी 21 डिग्री में पैनल्स लगे हैं, जिसमें हमारी परफॉर्मेंस जो है ना वो मैक्सिमम हम इससे ले सकते हैं, बेहतर से बेहतर। हमने पैनल वॉशिंग के लिए बीच में हमने एक रास्ता दे दिया है, जिसकी वजह से जिस रास्ते से हम अच्छे तरीके से पैनल वगैरह वॉश कर सकते हैं, और इसमें सीढ़ी वगैरह लगा कर राइट और लेफ्ट दोनों साइड के पैनल हमारे वॉश हो सकते हैं। पानी का कनेक्शन हमारा यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि वाशिंग भी एक सोलर सिस्टम के अंदर एक अहम चीज़ है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमने सोलर इन्वर्टर वगैरह किस तरीके से फिट किया है। हाँ जी दोस्तों, ये हम नीचे छत पर आ गए हैं, आप ये देखें हम इसकी सोलर वायर्स को किस तरीके से लेकर आए हैं। ये देखें, हम इसको फ्लेक्सीबल पाइप में लेकर आए हैं, जो कि वो कंसील्ड है डबल PVC में। तो आ जाए हम आपको इन्वर्टर की ये जैसा कि आपने देखा था, हमने इन्वर्टर यहाँ पर फिट किया था। इस वक्त चूँकि वापदा नहीं आ रही और रिवर्सिंग नहीं है, और ये जितने इनके घर का यूजेज है उसको सोलर पावर दे रहे हैं। हमारा ये सेटअप मुकम्मल ऑपरेशनल है, एक्टिव है, काम कर रहा है। ट्यूबलर की 1800 वाट की इसमें बैटरीज लगाई हैं हमने, और 12 किलो वाट का नाइट्रॉक्स का इनवेरेस का इन्वर्टर लगा हुआ। तो अभी ये हमारा प्रोजेक्ट मुकम्मल है, इसके बाद हमने इधर रजा ब्लॉक में ही एक और हमारा प्रोजेक्ट है, हमें उस पर जाकर अभी काम कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे 3 प्रोजेक्टों पर हमारे वर्किंग चल रही है, वेल्डिंग का काम वहाँ पर जा रही है। तो अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और आप इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा, और इंशाल्लाह अच्छा वक्त गुजरेगा। अस्सलाम वालेकुम।